ज्वाली के तहत पड़ते भलाड़ क्षेत्र के दर्शन लाल ने नूरपुर थाने में शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि सिविल अस्पताल नूरपुर में तैनात डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही की वजह से उनकी गर्भवती पत्नी की मौत हो गई है। उनका कहना है कि अगर इस अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता तो इसे बंद कर देना चाहिए। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की द्वारा नूरपुर अस्पताल में एक गर्भवती महिला की डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण मौत के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर लोगों में अस्पताल के प्रति भारी रोष है। नूरपुर अस्पताल अपनी इन्हीं लापरवाह हरकतों की वजह से सुर्खियों में है। ऐसे में इस एक और हादसे ने नूरपुर अस्पताल की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। ज्वाली के भलाड़ क्षेत्र के एक व्यक्ति दर्शन लाल ने नूरपुर थाने में शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि सिविल अस्पताल नूरपुर में तैनात डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही की वजह से उसकी गर्भवती पत्नी की मौत हो गई। परिवार वालों ने पुलिस को सौंपी शिकायत में गुहार लगाते हुए कहा कि अस्पताल में चिकित्सक व उसके साथ जो स्टाफ मौजूद था उसकी पत्नी की मौत के जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सीमा देवी सुष्मिता करती जेठानी हूँ। जब बॉडी को घर ले जाया गया तो हमने देखा बॉडी को 4 बंदों ने उठाया था, तो उसमें से ब्लड निकल रहा था, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया। जब घर में लेटा दिया तो फिर हमने उसका सिर्फ चेहरा ही देखा था, और सारी गांव की लेडीज सारे जेंट्स वगैरह सारे आ गए थे। तो उसके बाद मतलब एक दिन बीत गया और उसके मम्मी पापा को आना था, तो हमने इतना गौर नहीं किया। बाद में हमने देखा दूसरे दिन प्रशासन कोई नहीं आया हमारे पास, ना किसी ने कॉल किया, ना ही कोई हमारे पास आया है, ना किसी ने हमें मतलब पूरा दिन किसी ने बताया कि कुछ मतलब देखो। और बाद में जब हम दूसरे दिन ले जाना था तो उसको नहलाने लगे तो उसकी बॉडी पर पूरे निशान पड़े हुए थे, और उसके मेन पार्ट पर मतलब कट लगा हुआ था, और मैं देख नहीं पाई, मेरे को चक्कर आ गया। और उस बॉडी में उन्होंने काफ़ी सारी रुई भरी हुई थी, और रुई निकाल रहे थे, हमारी चाची जी थी, मैं थी, और रुई निकालते निकालते मुझे चक्कर आ गया। पर एक जिंदा लेडीज़ को मतलब किसने बताया कि मेन पार्ट पे उसके रुई डालो, और क्यों डालो, और उसको एम्बुलेंस भी नहीं दी है। अगर सरकार बोल रही है कि मतलब 108 औरतों के लिए सहायता के लिए है, तो फिर क्यों नहीं मिली उसे? तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई की जाए, और नर्सों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, और मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो उसकी जिम्मेदारी। मेरा नाम मुकेश कुमार है, डिलीवरी मेरी पापी जी, उन्होंने एडमिट करवाई 27 तारीख 5:30 बजे पूरी रात, मतलब ठीक ही हो करना सारे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है सारे नॉर्मल ठीक है सारे। उन्होंने अंदर मतलब ले गए 3 बजे अंदर, उसके बाद उन्होंने मम्मी मेरे आए मैनू बुलाया, फिर पता नहीं कोई बच्चा वगैरह और बाजाइया भाभी दी चिंडा ज़्यादा चलाने लगी, ठीक है, चिंका चुंका मारिया उन्होंने। उसके बाद फिर मैं मम्मी दुध ले गया, फिर मैं दुध लैन गया, मम्मी मगर ही आई, मेरे मम्मी मगर आई। उसके बाद बोलने लगे भी नहीं ज़्यादा थोड़ा मरीज ज़्यादा सीरियस हो गया, फिर अपनी मतलब मैं अंदर गया, पानी की बोतल लगी गया, मैं पानी पिलाने लगा, पानी भी नहीं पिलाने दिता। जिस टाइम अंदर गया उधर कोई कपड़ा भी नहीं हाँ, कोई लगाया भी नहीं, और नाले पेट से चीरे दिते, छाती से चीरे दिते। जी मैं उन्होंने बोलिया मैंने एम्बुलेंस दो गड्डी दो सरकारी, बोलते गड्डी नहीं है सरकारी, फतेहपुर गई है उधर नाले दो गड्डिया सरकारी गड्डिया लगी हुई हैं। उन्होंने बोले नहीं वो सामने गड्डी प्राइवेट खड़ी है, वो अपनी गड्डी करो तो टांडे लेके जाओ, नहीं जब तुम पठानकोट नेड़े पौंदा उस साइड ले जाओ। तो जिस टाइम मैं अंदर गया उस टाइम थोड़ा मरीज बिल्कुल सीरियस आ, क्योंकि कोई गलबात नहीं करा वो, मैं मतलब जिस टाइम मैं चुकया मेरे ना नर्सा भी हाथ नहीं पाया, 4-5 नर्सा ही उत्थे, मैं अकेले चुकया ना कपड़ा कोई थले कोई कपड़ा नहीं लगाया, हूँ इन्हें नाले जब रूम वगैरह भरया कोई सिलाई नहीं मारी। और जिस टाइम मैं नीचे एम्बूलेंस को गया उत्थे मैं अपनी भाभी गड्डी लटाया, उन्होंने मेरी मम्मी ने आवाज़ मारी भी बच्चा लिया तुसी, मम्मी ने पूछा बच्चा की है, तो बोलती नहीं मुंडा होया, तो मम्मी ने बोला पहले कहीं नहीं दस्या तुसी, कह रहे दो जुड़वा बच्चे है, तो उन्हें जुड़वा बच्चे के कारण उन्होंने पता नहीं सानू बच्चा दस्या 4:30 बजे मतलब नॉर्मल केस नाल होया जी, नॉर्मल होया। और दूजा 1.5-2 घंटे बाद दस्या उन्होंने भी जुड़वा बच्चा, पहले कह रहे फिर 1.5-2 घंटे बाद दस्या भी बच्चा होया, वो भी कहते जिस वेले एम्बुलेंस से बिठाई मैं अपनी भाभी अगे नहीं लगा, वो कह रहे पिछे बच्चा होया, तो वो चाची मेरे के ऊपर दौड़ के बच्चा लेके आए,
उन्होंने और कुछ नहीं मतलब बच्चे के वास्ते मेरे और जो स्टाफ है उसको क्या बोलते। इस संदर्भ में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर दिलवर सिंह ने फोन पर बताया कि मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा ने जांच रिपोर्ट मांगी थी जो उन्हें सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि महिला की मौत निजी अस्पताल में हुई है। उन्होंने कहा कि गर्भवती की डिलीवरी के दौरान उनका प्रसवोत्तर हो गया था जिसके चलते उन्हें रेफर किया गया है। वहीं जिला परिषद उदय पठानिया ने कहा कि नूरपुर अस्पताल में दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। ये दुख की बात है कि नूरपुर अस्पताल रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। उन्होंने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नूरपुर जो हॉस्पिटल है वो नूरपुर पूरा नूरपुर सब डिवीजन है और यहाँ तक कि चंबा के भी भटियात के क्षेत्र के लोग भी जो है यहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं, जो गरीब लोग हैं, आम जनता है। और जो नूरपुर का हॉस्पिटल है बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ टाइम से हमें कई ऐसे केसेस आए हैं हमारे नॉलेज में, हमारे संज्ञान ऐसे केसेस आए हैं कि ये जो नूरपुर का जो हॉस्पिटल है ये रेफरल हॉस्पिटल की जो है एक बुचड़खाना बन गया हुआ है। अभी हाल ही में ये दर्शन जी हैं, इनकी पत्नी सुष्मिता कर 27 तारीख को ये डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आते हैं और इनकी जो हमने इनकी रिपोर्ट्स देखी हैं, जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स हैं जो डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किए हैं या जो भी पहले रिपोर्ट्स हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसके बावजूद भी जो पेशेंट है उसको तुरंत आनन फानन में सीरियस घोषित करके उनको टांडा रेफर कर दिया जाता है। जब ये लोग अपने पत्नी को देखते हैं तो उसके इनके अनुसार छाती तक जो है उसका पेट फाड़ा हुआ है। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि उस नॉर्मल डिलीवरी के बाद उसका पेट फाड़ना पड़ा और इनकी इंसानियत जो मर चुकी है कि उस औरत का पेट फाड़ के उसमें रुई ठूस के बिना टांके लगाए हुए उस औरत को एक जानवरों की तरह हवाले कर दिया जाता है इनके। और जब ये लोग उसमें बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तब इन लोगों को पता चलता है कि इनका एक बेटा भी हुआ है। जबकि इन लोगों के अनुसार अंदर ऊपर ये बोला जा रहा था कि जुड़े बच्चे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से, हिमाचल प्रदेश सरकार से ये मांग है, जहाँ पर ये हमारी सरकारें प्रसूता योजनाओं विभिन्न योजनाएं चला रही है वहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है वो प्रसूताओं के साथ इस तरह का जो है वो डॉक्टर्स जो हैं ऐसे पेश आ रहे हैं। आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि जो भी डॉक्टर्स और जो भी उसका स्टाफ, जो भी लोग जो हैं इस उसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इतनी गैर जिम्मेदारा अपनी हरकत की है, उन पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। उन पर हम लोग थाने आए हुए हैं, उन पर FIR दर्ज की जाए। और ये एक, हम इसको एक दुर्घटना नहीं मानते हैं, हम इसको एक हत्या मानते हैं। वो एक हत्या मानते हैं। एक 1.5 साल की बच्ची, जो बच्ची यहाँ घूम रही थी, एक 1.5 साल की बच्ची जो अपनी माँ को ढूंढ रही है, जो मासूम बच्ची जिसकी आंखें अपनी माँ को ढूंढ रही हैं, उस बच्ची के साथ इतना अन्याय हुआ है। ये डॉक्टर्स, मुझे नहीं पता ये डॉक्टर्स का ये खून जो है ये पानी हो गया हुआ है। नूरपुर हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है, यहाँ पे मरीजों का इलाज तो छोड़ दो आप, यहाँ पे पोस्टमार्टम तक नहीं करते ये लोग। एप्लीकेशन दिया हमारे पास कि इसकी नूरपुर में मिसयूज हो रही है, 27/7/2020 को एडमिट कर डिलीवरी केस था, तो उसमें डॉक्टरों की लापरवाही से जो है उसको ठीक ट्रीटमेंट नहीं की है, इस टाइम उसकी डेथ हो गई है। जिस हमारे हालत में निष्पक्ष जाँच जो की जा रही है और इसमें जो भी आगामी डॉक्टरों की टीम से ही हम कराएंगे, इसमें सारा कुछ जो भी डॉक्टरों की टीम दर्ज की जाएगी, उसके बाद इसमें उनसे रिपोर्ट रखी जाएगी, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के मुकाबले में लाई जाएगी। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।